अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैदराबादी रेड चिकन, लाल चिकन बना रहे जो शादियों में बनता है। देखते हैं रेसिपी। 10 से 12 हमने बादाम लिए हैं और 10 से 12 हमने लिए हैं काजू। इसको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। बादाम और काजू रोस्ट हो गए, अब इसे हम साइड में रख देंगे। चिकन लिया है हमने, 150 ग्राम चिकन है हमारा। अब इसके अंदर हम मसाले डाल देते हैं। 1.5 टेबल स्पून हमने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। 1.5 टेबल स्पून हमने लिया है कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इससे कश्मीरी रेड चिली पाउडर से कलर बहुत अच्छा आएगा। धनिया पाउडर भी हमने 1.5 टेबल स्पून लिया है। नमक लिया हमने 1.5 टी स्पून, आपके टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। हल्दी लिए हमने 1/2 टी स्पून। गरम मसाला डाल देंगे, 1 टी स्पून गरम मसाला लिया है हमने। अब हम इसके अंदर दही डाल देंगे। दही हमने 200 ml लिया है। अब इसके अंदर हम प्याज डालेंगे। हमने प्याज को पहले ही फ्राई कर रखा था। 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली है और इसको हमने फ्राई करके रख दिया था। इसको अच्छे से क्रश करेंगे और डाल देंगे। और काजू और बादाम को जो हमने हल्का सा रोस्ट करके रखा है उसका हम पेस्ट बनाकर रेडी कर लिए हैं। ये पेस्ट भी हम इसी में ऐड करेंगे। थोड़ा सा बादाम का पेस्ट लगा हुआ है तो थोड़ा सा पानी डाल के हम मिक्सर को क्लीन करके ले लेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने हरी मिर्ची का यूज़ नहीं किया है क्योंकि हमने कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर डाली है। अगर हरी मिर्ची आपको चाहिए तो आप लास्ट में डाल सकते हैं। इसके अंदर अच्छे से मिक्स करके हम रख देंगे। 1.5 से 2 घंटे हमको रखना है इसे मैरिनेट होने के लिए, ताकि चिकन हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 2 घंटे के आसपास हो गए। अब हम तेल लेंगे। तेल हमने 3 से 4 टेबल स्पून लिया था। इसके अंदर ही हमने प्याज फ्राई की थी। अब इसके अंदर हम दालचीनी डालेंगे। 1-2 इंच का टुकड़ा लिया है हमने दालचीनी का और 4 इलायची ली है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरा हमने 1 टीस्पून लिया है। अब इसके अंदर हम चिकन डाल देंगे। हम आज से आहिस्ता आहिस्ता करके 2 बार डाल देंगे। चिकन हमारी थोड़ी ज़्यादा थी आज, इसीलिए आराम से डालेंगे। और जो भी मसाला लगा हुआ होगा बाउल में उसको हम थोड़ा सा पानी डाल के क्लीन करके इसमें डाल देंगे। अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस चालू हो जाएगा। इसको अच्छे से भूनना है हमें, क्योंकि मसाले हमारे डाले हुए हैं तो इसे अच्छे से भून लेंगे हम। 10 से 12 मिनट तक हम इसे कंटिन्यूसली भूनते रहेंगे। मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। इसमें भुनाई बहुत ज़रूरी है। और थोड़े से मसाले जो और है पाउडर मसाले वो भी डाल देंगे बाद में। अच्छे से इसे भूनते रहेंगे। आप इसके लिए बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। पाँच मिनट से हम अच्छे से भून रहे हैं चिकन को। अब इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे, क्योंकि हमको नमक थोड़ा सा कम लगा था तो हमने 1/2 टी स्पून के करीब नमक डाल दिया है। आपके टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं चेक करके। इसे कंटिन्यूसली भूनते रहेंगे हम। देख सकते हैं अच्छे से तेल ऊपर आ रहा है इसका। अब इसके ऊपर हम कसूरी मेथी डाल देंगे। 1 टीस्पून कसूरी मेथी लिए है हमने। अब थोड़ा सा हम फूड कलर डालेंगे, 2 पिंच के करीब, क्योंकि ये रेड चिकन है, हैदराबादी रेड चिकन, तो उसमें थोड़ा सा फूड कलर हमने डाल दिया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चिकन और मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। देख सकते हैं अच्छे से ऊपर तेल आ गया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा धनिया और पुदीना डाल देंगे, 1 से 2 टेबल स्पून के करीब, ताकि इसमें और अच्छा बढ़िया टेस्ट आ जाए। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चिकन को भूनते हुए हमको 10 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा चिकन हमारा दिख रहा है, मसाले अच्छे से भून गए हैं। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, हमने एक गिलास के करीब पानी ऐड किया है, एक गिलास से थोड़ा सा कम पानी था। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। एक बॉईल आने देते हैं और फिर इसको ढककर रख देते हैं हम 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक कि हमारी चिकन ना गल जाए। चिकन को हमने स्लो गैस पे रख दिया है, बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे। चिकन को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। चिकन हमारी बनकर तैयार है, एकदम मज़ेदार सी टेस्टी सी। अब गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और चिकन को हम सर्व कर लेंगे। आप भी ज़रूर बनाकर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।